प्रदेश सरकार आम लीची की फसल की खरीद के लिए सेंटर तय करे। बाहरी राज्यों के व्यापारियों के कोरोना के चलते आम लीची की फसल खरीदने हेतु न आने से बागवान असमंजस में है कि इस बार फसल कहां बेचेंगे। इससे पहले बारिश व ओलावृष्टि से खराब हुई गेहूं की फसल का भी सरकार मुआवजा किसानों को देना सुनिश्चित करे। जिला कांग्रेस कमेटी कांगड़ा के अध्यक्ष अजय महाजन ने कहा कि प्रदेश में ऊपरी एरिया में जहां सेब की फसल पाई जाती है, वहीं निचले क्षेत्रों में आम व लीची की फसल होती है। कुछ दिनों बाद आम व लीची की फसल तैयार होने वाली है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश, J&K, बिहार, पंजाब के व्यापारी फसल खरीद के लिए नहीं आए हैं, जिससे बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं कि फसल को कहां बेचेंगे। अजय महाजन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि आम व लीची की फसल को बेचने के लिए प्रदेश सरकार मार्केटिंग सेंटर निर्धारित करे तथा बागवानों को इसका उचित मूल्य दिलाना भी सुनिश्चित करे। अजय महाजन ने कहा कि इससे पहले गेहूं की फसल को भी बारिश व ओलावृष्टि से नुकसान पहुंचा है, ऐसे में मुआवजा सुनिश्चित करना चाहिए। हमने जो बड़ा हमारे लोअर एरिया का एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है कि हमारी जो मुख्य फसल यहाँ पे है वो आम और लीची है, और आज की डेट में जो हालात बन गए हैं, क्योंकि अगले 10-15 दिन में फसल बाहर तैयार हो जाएगी बेचने के लिए, और जो इस बार जो है बाहर से व्यापारी आए नहीं, क्योंकि नॉर्मली यूपी, J&K, पंजाब, हरियाणा से आते थे, और जो लोकल व्यापारी हैं वो क्योंकि इस डर से कि हम बेचेंगे कहाँ, जैसे बेचेंगे, उन्होंने भी बाग नहीं खरीदे। तो रिजल्ट क्या हुआ है कि जो बागवान हैं वो सारे के सारे इस समंजस में फंसे हुए हैं कि हम अपना ये फ्रूट बेचेंगे कैसे। जैसे ऊपर एप्पल है, अपर बेल्ट में एप्पल एक मुख्य फसल है, हमारे लोअर एरियाज में आम और लीची है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे, क्योंकि ये ऑन ईयर है, आम जो होता है एक साल नहीं होता, एक साल होता है, इस साल भरपूर फसल है, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इमीडिएटली ऐसे एक केंद्र बनाने चाहिए, परचेज केंद्र, कि जो इनको लेके मार्केटिंग कर सकें और इनको उचित मूल्य मिल सके जो फार्मर्स को, और इसके लिए जो है जल्दी से जल्दी इनको कोई ना कोई नीति बनानी पड़ेगी, अदरवाइज जो हमारा पूरा जो है लोअर बेल्ट के फार्मर्स हैं उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। और उसके अलावा जो पीछे मौसम के खराबी से जो फसलें खराब हुई हैं उससे उसका अभी तक किसी को कोई पैसा नहीं मिला, और अगर मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूँ सरकार से कि जल्दी से जल्दी वो भी जो है इनकी जो कॉम्पनसेशन है इनको मिले।